ये जी मोमोज हमारी प्लेट में आ चुकी हैं और ये इसको ट्राई करते हैं हम अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरे से होंगे। तो आज ही मैं मौजूद हूँ पेरिस रोड पे और आज मैं आपके लिए एक फूड व्लॉग लेके आऊँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोमोज के बारे में। तो ये जी मोमोज तैयार करते हैं, इनसे हम पूछेंगे कि मोमोज बनाने के लिए किन क्या क्या चीजें यूज होती हैं और ये क्या चीज है, कहाँ की डिश है। फुरकान भाई, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ। ठीक ठाक। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो मोमोज है ये आपके जेहन में कैसे आइडिया आया और ये क्या चीज है? ये ना इस तरह मेरे दिन में आइडिया आया कि ये इंडिया में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो मैंने भी इधर भी देखा, जब मैंने इधर सुना ना कि इधर भी लोगों को चाहिए, लोग फ्रोजन मोमोज भी ढूंढते हैं, दूसरे भी ढूंढते हैं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहाँ शुरू किया जाए, क्योंकि सियालकोट में और कोई भी नहीं था ज़्यादा। तो फिर मैंने जो सा ना ये शुरू किया पहले, ये बेसिकली ना ये नेपाल की डिश है। अच्छा। ओरिजिन इसका नेपाल है, लेकिन चाइना, कोरिया, इंडिया वगैरह इधर ज़्यादा बिकती हैं ये, लेकिन नेपाल की बेसिक डिश है। मैंने उसी हिसाब से मैंने कहा चलो इधर शुरू करते हैं, लोगों को नया टेस्ट देते हैं, लोग सेम चीज़ें खा खा के आके होंगे, तो फिर उस नियत से फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। कौन भाई, इस चीज़ ये किस किस चीज़ से, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि मैदे की डो होती है सिंपल, और उसके अंदर आप कोई भी फिलिंग कर सकते हो। हमारे पास जो अवेलेबल है वो चिकन और वेजिज की फिलिंग है, ज़्यादा वेजिज नहीं होती, ज़्यादा चिकन होता है हमारे पास। तो वैसे इसमें वेजिटेबल वाले भी आते हैं, इसके साथ सॉस होती है इसकी, कहीं सूपी सॉस देते हैं, कहीं दूसरी सॉसेस देते हैं, लेकिन इनके साथ सॉसेस होती हैं। इसी कोई स्पेशल सॉस है? हाँ जी, इसमें हमारे पास इस टाइम जो है ना वो चिकन स्टॉक की सॉस है अवेलेबल, दूसरी नहीं है। सोया सॉस भी चलती है, लेकिन मैंने सब ट्राई कर ली थी इसके साथ, तो जो बेस्ट लगी थी, जो टेस्ट क्लियर नहीं थी, वो भी मैंने साथ। तो अभी जी ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी छोटी सी इनका एक स्टॉल है यहाँ पे, और ये इनका यहाँ पे इन्होंने एक सीटिंग बनाई हुई है, यहाँ पे आप आराम से आके बैठ के इंजॉय करते खा सकते हैं। तो हमें टेस्ट कराएंगे कि नहीं आप? जरूर कराएंगे सर, क्यों नहीं। तो अच्छा, ये एक स्टीमर में देख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये स्पेशली मोमोज वगैरह के लिए होता है, या कोई फिश फ्राई करनी हो, फिश स्टीम करनी हो, कुछ भी स्टीम करना हो ना, ये उस नियत से यूज होता है, ये स्पेसिफिक है सिर्फ स्टीमिंग के लिए। ये जी मोमोज हमारी प्लेट में आ चुकी हैं। वाह जी वाह, ये इनकी स्पेशलिटी है, क्यों फुरकान भाई? और ये इनकी स्पेशल सॉस है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो केचप है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये ब्रांडेड यूज़ करते हैं, टोमेटो केचप भी और मायोनीज भी। और मैंने देखा है कि आपकी एक स्पेशल जो है वो सॉस है जो मोमोज के साथ खाई जाती है, वो भी मुझे एक बड़ा इंटरेस्ट है यार देखने का, वो क्या चीज़ है। तो हर चीज़ इनकी होममेड है, घर से बन के आती है, यहाँ पे आके जस्ट ये फ्राई करते हैं। तो मेरा काफ़ी दिनों से यहाँ पे आना हो रहा था, मैं नहीं आ सका, तो मैंने कहा आज आपको ना इसका जरा दिखाता हूँ और टेस्ट बता दूँ इसका टेस्ट कैसा है, और फिर आपको बताऊंगा कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो मोमोज हमारे सामने आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं, एक बहुत ही नरम नरम सी, और ये इसको ट्राई करते हैं हम अब। मोमोज की अगर बात की जाए तो ये एकदम फ्रेश जो आपको एक घर से होममेड चीज़ मिलती है, ये बिल्कुल वो चीज़ है। और ये इसकी चटनी है देखें आप, क्योंकि एक बिल्कुल मोमो के साथ जो एक जायका बनता है, जो टेस्ट बन जाता है, एक इसको टेस्ट को उठाता है, ये वो चीज़ है। ये जी इनकी घर से बिल्कुल फ्रेश आप देख सकते हैं, इनकी पैकिंग बिल्कुल साफ सुथरी है, चिप्स आप देखें, अच्छा वाला जो है ये आलू यूज़ करते हैं, ये चिप्स इनकी बन के निकली हुई है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक साफ सुथरा ऑयल जो होता है, कलर देखें आप चिप्स का। और इसके साथ साथ जो है फ्रोजन फूड भी ये जो है वो सेल करते हैं। तो जी इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, मस्त है, आपने लाजमी आके ट्राई करें। और ये फुरकान भाई है मेरे बहुत ही प्यारे भाई, ऐसे दोस्त है मेरे, ये आपने मोमो लाजमी ट्राई करें और मुझे बताना है कैसी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।